Good morning, children. Today we will be doing How Beautiful is the Rain? That is the poem number one in our reader book. So, children, this poem is written by H.W. Longfellow. H.W. Longfellow was an American poet and educator. Look here, it's here written here. H.W. Longfellow. This is the title of the poem. This is the writer of the poem or the poet, and this is the poem. Okay, let's read. How beautiful is the rain? हमें exclamatory sentences पढ़े हैं children. Okay, so this is an exclamatory sentence here. सी एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, सो यहाँ पे द पोएट इज टेलिंग अबाउट हिज इमोशन दैट हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन. ओके, ही इज फाइंडिंग द रेन टू बी वेरी ब्यूटिफुल एंड दैट्स वॉट ही इज टेलिंग अस. आफ्टर द डस्ट एंड हीट इन द ब्रॉड फायरी स्ट्रीट, दैट मीन्स आफ्टर द हीट एंड द डस्ट ऑफ द समर in the broad and fiery street. Fiery means with fire, you know, on fire. It is so hot that it looks like fire. That means fiery. In the narrow lane. Narrow means patla. Patla lane. Lane means gully. Okay. Lanes means a street or gully. In Hindi we can say gully bhi keh sakte hain usko. Alright. How beautiful is the rain? So, that means the poet is saying that the rain is beautiful everywhere, in a narrow street and on the fiery and broad street. Chahe broad street ho ya fir narrow lane ho, okay, wo wahan pe bhi rain beautiful hai and har jagah rain beautiful hai. How it clatters along the roofs. Clatter ka matlab hota hai jab aapne dekha hoga agar ek roof hai us pe rain pad rahi hai to एक टप 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 की आवाज़ आती है ना, इट मेक्स अ साउंड दैट इज़ कॉल्ड क्लैटरिंग और क्लैटर्स. क्लैटर्स इज द पास्ट टेंस. ओके, क्लैटरिंग और क्लैटर इज अ वर्ड आउट ऑफ विच क्लैटर्स हैव बीन मेड, लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूव्स. सॉरी फॉर दैट चिल्ड्रन. ओके, लाइक ट्रैम्प ऑफ हूव्स. ट्रैम्प मतलब tramp is again the sound that is made by hooves. What are hooves? जो घोड़ा होता है ना, horse होता है, उसके जो feet होते हैं, sorry, उसके पैरों में ना hooves, उसके जो पैर होते हैं उनको hoof कहते हैं. और उसके पैरों में ऐसे करके एक U shape का मेटल लगाया जाता है सो दैट हिज हूव डोंट हर्ट वाइल रनिंग और वॉकिंग. ओके, सो एंड इट मेक्स अ ट्रैम्पिंग साउंड. सो क्लैटर एंड ट्रैम्प, दीज आर बोथ साउंड वर्ड्स. इसको हम कहते हैं चिल्ड्रन ऑनोमेटोपिया. ऑलराइट, this is a technique. Onomatopoeia is a technique where the poet use sound words, as in words that are sounds. Okay, all right, next. How it gushes and struggles out from the throat of overflowing spout. Gush ka matlab hota hai pressure se bahar aana. If there is a tap aur usme kuch atka hua hai तो एकदम से पानी आता है, दैट इज कॉल्ड गशिंग ऑफ द वाटर. ओके, एंड स्ट्रगल्स आउट. स्ट्रगल्स का मतलब वो जद्दोजहद करके बाहर आता है, यू नो, स्ट्रगलिंग, इट इज यू नो ट्राइंग हार्ड टू गेट आउट ऑफ दैट स्पाउट. थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट. थ्रोट क्या होता है और स्पाउट क्या होता है, हम सब ने बचपन में वो पोएम पढ़ी है चिल्ड्रन, इट्सी विट्सी स्पाइडर रैन अप द वाटर स्पाउट. स्पाउट का मतलब होता है एक पाइप जो कि वाटर, यू नो, वाटर के
वाटर की जाने के लिए हम छत पे लगाते हैं, ओके, या कहीं पे भी लगा सकते हैं, बट हियर इट मीन्स दैट यू नो द ओवरफ्लोइंग स्पाउट. ओवरफ्लोइंग स्पाउट मीन्स जो पाइप है वाटर के जाने के लिए वो ओवरफ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ द रेन. सो द वाटर इज गशिंग आउट ऑफ हियर एंड इज स्ट्रगलिंग इनसाइड द थ्रोट. दिस इज द थ्रोट, ओके. लाइक जैसे हमारा थ्रोट होता है जहाँ से खाना नीचे जाता है, राइट, वैसे ही ये पाइप का थ्रोट है. थ्रोट ऑफ द पाइप ऑफ ओवरफ्लोइंग स्पाउट, ओके. सो इट इज गशिंग, इट गशेज एंड स्ट्रगल्स आउट. स्ट्रगल्स आउट, स्ट्रगल टू कम आउट फ्रॉम द थ्रोट, फ्रॉम द थ्रोट ऑफ ओवरफ्लोइंग स्पाउट, ओवरफ्लोइंग पाइप. ठीक है, सो ये है मतलब इसका. अक्रॉस द विंडो पेन इट पोर्स एंड इट पोर्स. आपने देखा होगा विंडो पेन्स होते हैं, उस पर बारिश पड़ती है तो वो फिर नीचे ट्रिकल करती है, ऐसे ऐसे नीचे आती है, बार बार नीचे ड्रॉप ट्रिकल करती है, तो उसको यहाँ पे बताया गया है. इट पोर्स एंड इट पोर्स. पोर्स का मतलब, पोर का मतलब क्या होता है, डाल देना किसी चीज़ में. जैसे कि आप जग से ग्लास में वाटर पोर करते हो, फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ जग, ओके, एंड यू पोर वाटर इन द ग्लास. सो द सेम रीज़न द रेन इज़ पोरिंग ऑन द विंडो पेन. विंडो पेन मीन्स पेन वो होता है चिल्ड्रन, जो पार्ट आप विंडो का ओपन करते हो ना, दैट इज़ कॉल्ड अ विंडो पेन. विंडो है जो दीवार में होती है, उसमें एक लकड़ी का या फिर मेटल का एक यू नो डिवीजन लगा होता है जिसको आप ओपन कर सकते हो. सो दैट ओपन थिंग, दिस इज कॉल्ड अ विंडो पेन, जिसको आप ओपन या क्लोज कर सकते हो. ठीक है, सो द रेन पोर्स ऑन द विंडो पेन. ऑल राइट, एंड स्विफ्ट एंड वाइड, एंड स्विफ्ट एंड वाइड विथ अ मडी टाइड. स्विफ्ट है और वाइड है, ठीक है, वो स्विफ्ट है. स्विफ्ट का मतलब बहुत तेज, स्विफ्ट का मतलब वेरी फास्ट. वाइड, वाइड का मतलब चौड़ी है, एज इन द ड्रॉपलेट्स आर वेरी फास्ट एंड वेरी बिग. विथ अ मडी टाइड, विथ अ मडी टाइड मीन्स दैट दे हैव मड ऑल्सो इन दैम. द रेन इज हैविंग द एटमोसफियर्स मड ऑल्सो. मड मीन्स द सॉइल विच इज इन द एटमोसफियर, इट कम्स डाउन विद द रेन एंड मेक्स द मड, ओके, ऑन द विंडो पेन. सो दैट्स कॉल्ड मडी टाइड. लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोर्स द रेन, द वेलकम रेन. लाइक अ रिवर मतलब इट हैज़ रेन्ड सो बैडली, सो स्विफ्ट एंड वाइड दैट अ रिवर, दैट इट हैज़ मेड अ रिवर विच गोज़ डाउन द गटर. आपने देखा होगा चिल्ड्रन, टीवी में देखा होगा, अदरवाइज भी देखा होगा काफ़ी रेन में, दैट जो गटर्स होते हैं ना रोड्स पे, ऐसे गटर्स होते हैं मेटल के होते हैं ना, जिसमें एरिया होता है जाने के लिए यहाँ से, तो नाउ द इट हैज़ रेन्ड सो मच दैट इट हैज़ बिकम लाइक अ रिवर एंड इट इज़ गोइंग थ्रू द गटर. It is going through the gutter and it is roaring. It is make a roaring sound. It roars while it goes down the gutter. Okay. So these are all the sounds that the author has used. All right. The rain, the welcome rain. Now at the last, the poet is welcoming the rain. Okay. The rain which is always welcome, the rain which is loved by everyone, the rain which is so important for all of us, for the atmosphere, for the temperature to go down in the summer season. Okay, so we all wait for this rain. So the poet is at last welcoming the rain, that the rain, please come, please, you are so welcome on the earth, on the fiery street, on the narrow lane, you know, on the roof, on the window pane, everywhere you are welcome. Alright, so that's it about children. इतना ही है आज हम करेंगे इस poem में. Tomorrow we will discuss the comprehension part of this poem. But children, यहाँ पे word meanings दिए हैं. I want all of you to please see to it and learn them because they will be very important for you in the future also. Alright? Okay, I just want you to do one more little thing. I want you to complete this one. आप अपने आप इसको पढ़िए, समझिए और करिए. राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ, ओके. एंड सी, यहाँ पे साउंड वर्ड्स बताया है मैंने आपको, साउंड वर्ड ऑलरेडी बता दिया है कौन से हैं, आपको बस यहाँ लिखना है चार साउंड वर्ड.
राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, आई विल टेल यू. आपको 5 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स ढूंढना है पोयम में से. सी चिल्ड्रन, रेन रेन रेन, लेन, हीट, स्ट्रीट. ये सब साउंड कर रहे हैं सेम सेम, हीट एंड स्ट्रीट, लेन एंड रेन. ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, जो भी इंग्लिश में हम पोएम पढ़ते हैं उन सब पोएम्स की कोई ना कोई राइमिंग स्कीम होती है. ओके, राइमिंग स्कीम, यानी कि पोएट एक तरीके की राइम यूज़ करता है पोएम के लिए. जैसे अब मानो रेन है, इस टाइप के साउंड को हम ए साउंड देते हैं, हीट बी साउंड हो गया, स्ट्रीट बी साउंड हो गया, क्योंकि हीट एंड स्ट्रीट सेम सेम है. लेन, लेन रेन जैसा है तो ये ए हो गया. अगेन रेन, ए, क्योंकि ये रेन सेम जैसा है. हूफ्स, रूफ्स, हु रूफ्स एंड हूफ्स सेम सेम है तो हम इसको सी दे देंगे बिकॉज ये सी साउंड है. आउट, ओके, बिकॉज दिस इज़ वन लाइन, वी विल नॉट कंसिडर दिस लाइन एंड स्पाउट, हम इसको सी, अगेन सी, आउट एंड स्पाउट सेम सेम डी दे देंगे हम इसको. पेन, पोर्स, ई, एफ, वाइड, टाइड, जी, जी. सो हर अलग साउंड को हम एक अलग वर्ड देंगे और हर सेम साउंड को हम सेम वर्ड देंगे, सेम लेटर देंगे. ठीक है, रोर्स एंड रेन, अगेन जी, एच एंड आई. और यू मे बी यू कैन लीव इट, दिस इज लास्ट लाइन. ठीक है, सो यहाँ पे देखो आपके राइमिंग वर्ड्स के क्या पेयर हुए, जो भी आपने सेम सेम लेटर दिए हैं वो आपके राइमिंग वर्ड्स के पेयर हुए. हीट एंड स्ट्रीट, रूफ्स एंड हूव्स, आउट एंड स्पाउट, देन वाइड एंड टाइट. 1 2 3 4, 4 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स आर देयर. ओके, तो दिस इज़ हाउ यू फाइंड आउट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम योर पोएम. दिस इज़ कॉल्ड द राइमिंग स्कीम. सो दैट्स इट फॉर टुडे चिल्ड्रन. इफ़ एनी कन्फ्यूजन यू कैन प्लीज़ आस्क मी. थैंक यू सो मच.